हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आर्मी का बहुत बड़ा झुंड है जिसमें कि 616 मेंबर्स हैं जो कि मार्च के लिए तैयार हैं, और बिहाइंड एन आर्मी बैंड, और वो आर्मी बैंड के पीछे हैं, और आर्मी बैंड में टोटल 32 मेंबर्स हैं एक परेड में। दो ग्रुप जो हमारा है वो मार्च के लिए है और वो सेम नंबर कॉलम है, यानी कि जितने मार्च में ग्रुप है ना वो कॉलम जो है वो सेम नंबर में है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा जो कि मार्च के लिए तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिए, जब मैक्सिमम, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट की बात किया जाए तो आपको हमेशा HCF फाइंड करना है, और अगर स्मॉलेस्ट, लिस्ट की बात किया जाए तो आपको हमेशा LCM फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर की बात की जा रही है, तो इसमें हम ना HCF फाइंड करेंगे, दैट मीन 616 और 32, ये दोनों के HCF को फाइंड कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकल जाएगा। यहीं अगर हमारा मिनिमम नंबर होता दिया हुआ, या लीस्ट नंबर होता, या स्मॉलेस्ट नंबर होता, तो उसमें हम लोग LCM फाइंड करते। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ लिख दिया है, वी फाइंड द HCF ऑफ 616 एंड 32। 616 और 32 को हम ऐसे फाइंड करेंगे, हमें पता है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो बड़ा होता है वो डिविडेंड होता है और जो छोटा होता है वो डिवाइजर होता है। दैट मीन्स 616 को डिवाइड देना है 32 से। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हमारे पास बाहर में दो डिजिट है, अंदर दो डिजिट की बात करेंगे, अंदर में 61 है ना, 32 को अगर 2 से मल्टीप्लाई देते हैं तो हमारे पास में 64 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो वन टाइम देंगे यहाँ पर और लिखेंगे 32, फिर इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद 11 में 2 को माइनस करेंगे तो यह हमारे पास में 9 बचेगा, और यह हमारे पास 5 बचा तो 5 में 3 को माइनस कर दिए तो हमारे पास में 2 बचा। अब ये 6 हमारा यहाँ पर आकर के लिख देंगे नीचे। अब हमारे पास में 296 है, तो 32 को हम 9 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं, अगर 32 को हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हमारे पास आता है, 9 टू जा 18, 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 यानी 288। हम इसको लिख सकते हैं, यानी 9 टाइम्स में 288 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 16 में 8 को करेंगे माइनस तो 8 बचेगा, ये 8 माइनस 8 कुछ नहीं, ये 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास में 8 रिमाइंडर बचा, इस 8 को अब हम डिवाइजर मान लेंगे, और पहले जो हमारा डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड मान लेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स HCF को फाइंड किया जाता है। अब 8 से 32 को डिवाइड देंगे तो 8 4 जा हमारे पास में 32 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा जीरो हो गया, और हमने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो उस समय देखा जाता है कि डिवाइजर हमारा क्या है। तो रिमाइंडर जीरो हो गया, इस समय पर डिवाइजर हमारा 8 है, दैट मीन्स हम कहेंगे कि HCF हमारा 8 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर HCF इक्वल टू 8, दैट मीन्स क्वेश्चन के मुताबिक हमारा आंसर 8 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Hence, the maximum number of columns is 8, in which they can मार्च। और ये हमारा हो गया आंसर।